शोमो बॉर्डर पे खड़े हैं। अब आपको तस्वीरें जरूर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए तस्वीरें यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो है किसानों के ऊपर आंसू गैस के जो गोले हैं वो जो दागे जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ किसान अभी भी डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं किसानों को। हालांकि कई किसान जो है इस आंसू गैस के गोलों से वो घायल भी हो चुके हैं। अब ऐसे में आप तस्वीरें सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है जो पुलिस की तरफ से लगातार जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो वो डटे हुए तकरीबन 2 से 3 किसानों का जो है आंसू गैस के गोले लगने से उनको काफी जो है नुकसान हुआ है। तो आप तस्वीरें जो है इस समय देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक भारी नुकसान जो देखने को मिल रहा है। किसान वहीं पर डटे हैं। किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी हो जाए आज तो हम बैरिकेडिंग क्रॉस करेंगे। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो प्रशासन है, जो वहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, जो पुलिस मौजूद है, वो लगातार इंस्ट्रक्शंस कर रही है। किसानों को कहा जा रहा है कि आप जो है वो ना छोड़े। देखिए एक और आंसू गैस का गोला जो है वो छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं जोरदार जो है वो धमाके इस समय यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन किसान वहीं पर डटे खड़े हैं। लगातार उनकी तरफ से कोशिश जो है वो की जा रही है, लगातार जो है आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ रहे हैं। कैमरामैन अर्जुन के साथ 9 के लिए अमनप्रीत कौर।